Everyone, welcome to Easy Competitive Classes. In this video, we will discuss about some biology MCQ. Okay, so जो उड़ा के अपन वन का revision purpose पे helpful रही वो. So without wasting time, let's start. तो प्रथम question इटी कौन दे चाहिए देखो तो a biological death occurs. Okay, but take place कितने बड़े ही थे biological death कितने बड़ा मैं कोई था वो ना option ने दिया है चाहिए कौन ना there is no pulse and हो चाहिए heartbeat. एंड सेकेंड पुपिल्स शो नो रिएक्शन टू लाइट. देन थर्ड ऑल द बॉडी सेल डाई आफ्टर ए फ्यू आवर ऑफ क्लिनिकल डेथ. तो क्लिनिकल डेथ जो मृत्यु पर जो कहा जाए क्लिनिकल डेथ पर तो किसी समय पर सेल गुड़ा जो मैंने वन टाइप ऑफ मरी जाए तो दैट इज सी कहुच्छे. देन पुपिल्स यार हो फिक्स्ड एंड हो डायलेटेड. तो पुपिल्स को ले जो आखि डोला टाइप रो. ओके तो आखि भितर जो जिनस रही थे तो या भितर ऑप्शन कौटा हे तो डायरेक्टली देखिए जब ये हूँ बायोलॉजिकल जेहे कथ कहे सेल कथ माइंड में रखिपरेंगे. ओके तो डायरेक्टली हे ऑल द बॉडी सेल्स डाई आफ्टर ए फ्यू आवर ऑफ क्लिनिकल डेथ. ओके तो से भाया क्वेश्चन नंबर टू ये कौन कहुच्छे देखो क्वेश्चन नंबर टू कहुच्छे क्लिनिकल डेथ से भाया क्या कहुए ए क्लिनिकल डेथ टेक प्लेस के तो देयर इज नो पल्स ठीक ना नहीं आउ देयर इज नो हार्ट बीट सेकेंड ऑप्शन कहुच्छे. थर्ड ऑप्शन कौन कहुच्छे जे पुपिल्स आर फिक्स्ड एंड डायलेटेड एंड देयर इज नो रिएक्शन देयर इज नो रिएक्शन टू लाइट मैंने जमीक आम जो आखिरे के देखी थाउ जो लाइट से ऑब्जेक्ट उपर जो लाइट पड़ी थे तो रिफ्लेक्ट होना आम आखि पर पड़ी थे ठीक ना नहीं तो दैट इज आम देखी थाउ तो से वन टाइप कहुच्छे जे हेवन ए रिएक्शनटा. ओके तो ये देन जो ऑप्शन डी कौन कहे ऑल दि एबव थ्री कंडीशन जहाँ भी उपरे दिखाई है ए बी सी रे. तो क्लिनिकल डेथ कहले कौन ना दैट इज रोचे सबुगुड़ा कितना बायोलॉजिकल डेथ कौनटा थी ना सेल कथ कहला. ओके तो दुईटा हूँ डिफरेंट डिफरेंट जिनस तो आई होप ये हूँ क्लीयर रोचे. देन जब आम जा क्वेश्चन नंबर थ्री कौन कहुच्छे देखो ना ये कहुच्छे जो हाँ मैन हैज बिकम द डोमिनेट स्पेसीस इन बायोस्फीयर के मनीष के गोटे हूँ डोमिनेट कर डोमिनेट स्पेसीस इनटा हूँ बायोस्फीयर हे तो एनवायरमेंट लेक्चर में कही बायोस्फीयर इकोलॉजी ये सब जिन बहुत ब्रीफली डिस्कशन कर ठीक ना नहीं तो बिकॉज ऑफ कौन पाई ना टूल टेकिंग कैपेसिटी बा इंजीनियस ब्रेन पावर पाई किंबा आर्टिकुलेट जो स्पीच बा लैंग्वेज पाई तो यह कौ क्वाटा पाई ऑब्वियसली सब गुड़ा हे ठीक ना ना से तो से डोमिनेट स्पेसीस रही है बायोस्फीयर रे. तो दैट इज ये हूँ देखा जी ऑप्शन नंबर डी हो तो ये ब्रीफली डिस्कसन करूनी लेंदी हो जाए अधिक क्वेश्चन कवर करवा ट्राए करवा. ओके रिविजन पर्पज्रे जेहतु रोचे भिडियो तो क्वेश्चन नंबर फोर ये कौन कहुच्छे देखो ये कहुच्छे मुवमेंट मुवमेंट ड्यू टू लाइट आर सन बाय तो जो मुवमेंट होता है कौन गति जो कहुच्छे वन टाइप ऑफ तो केतबाई जिते लाइट पड़ा मैंने जिनसा तुम हो मुवमेंट होता है तो से कथा कहुच्छे ये ऑप्शन कौन ना फ्लावरिंग प्लांट रे मुवमेंटा होता है कि लोअर प्लांट रे होता है कि ऑल लैंड प्लांट जहाँ भी आम लैंड प्लांट रही है किंवा अलदा प्लांट उपरे क्लियर. तो ये एक्चुअली डायरेक्टली देखिथ सूर्यमुखी तुम्हें जब भी एग्जांपल भी नहीं पार किसी नहीं. ओके तो दैट इज रोचे फ्लावरिंग प्लांट क्लियर. तो अच्छा लिविंग नॉन लिविंग जहाँ भी ऑर्गेनिज्म रही है भितर बेसिक डिफरेंस गुड़ा भी माइंड में क्लियर होता दरकार डायरेक्टली भी सीट आप क्वेश्चन रही है जमीका मेटाबॉलिज्म कौटी होता है कौटी हो न था ये छोट 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 डिफरेंस किसी पड़ी था एग्जाम हल्ले. ओके तो से सबू टे क्लीयर रही भल. देन जब आम जा क्वेश्चन नंबर फाइव. ओके कौन कहला ये ना द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. ओके मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज कौन तो सिंपली ऑप्शन वन कौन दिखाई है सब भी डायरेक्टली जेकोसी बुक रे भी जब बायोलॉजी देखो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भितर डिफरेंसटा बेसिक तो प्राय दे थाए. ओके तो से कहे ग्रोथ इन इन दूसरी ग्रोथ किंबा इन द साइज किंबा इन द मूवमेंट. ओके बा प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो कहुच्छे आप तो ऑब्वियसली ये जब आंसर देखिए कौनटा हो ना ऑप्शन डी हो प्रोटोप्लाज्म ठीक ना नहीं तो बेसिक बेसिक डिफरेंस आइदर हो मेटाबॉलिज्म क्षेत्र में हो किंबा ग्रोथ क्षेत्र में हो रिप्रोडक्शन क्षेत्र में हो जो न्यूट्रिशन जो कहो रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म मानक भितर तो ये क्षेत्र हो मूवमेंट कथा जो ऊपर गोटे क्वेश्चन देखेली तो से मूवमेंट क्षेत्र में हो क्लियर. तो ये सब बेसिक बेसिक डिफरेंस सब रही था कौ गोटे मोबाइल कौ गोटा मानने गति करें मूवमेंट हो पारे मोबाइल से कहुए ठीक ना नहीं तो कौ गोटा न था रेस्पिरेसन कौन एटीपी जेनेट करें ठीक ना नहीं
तो ये सब क्लियर जिनस देन जब आम क्वेश्चन नंबर हूँ 6 जीवा कौन कहुई ह्विज इज रिगार्डेड एज ए लिंक बिटवीन लिंक दे थे क्या क्या भितर ना लिविंग एंड नॉन लिविंग सजीव आउ निर्जीव भितर एमीबा किंबा तुम भाइरस आँ दिखाई एमीबा किंबा हूँ भाइरस किंबा बैक्टीरिया किंबा आरएनए तो एमान को भितर कोटा हबो आंसर हबो तो समस्त जानिछ ये होची कोन हबो भाइरस जे के लिंक देथाय सजीव आ होची निर्जीव भितर ठीक ना नै तो आई होप ये क्लियर रहिला देन जदि हम जेबा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कोन कह होची ना बेसिक यूनिट ऑफ होची लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस क्वेश्चन एता कोन कह जाय ना ड्रॉप ऑफ ब्लड कह जाय किंबा तुम्हारे हूँ मॉलिक्यूल ऑफ हूँ ग्लूकोज जो कह किंबा ए सेट ऑफ हूँ प्रोटीन बा सेल कह जाए समस्त ये हूँ जान कौन ना सेल कह जाए बेसिक यूनिट ठीक ना नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म रो तो दैट इज योर हूँ सेल से भाया जब क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा ये कौन कह ना ह्विज ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक ना नहीं तो एमान को भितर कौटा हूँ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव जो कहुचे तो ये कौन ना एबिलिटी टू मूव क्लियर तो एबिलिटी टू मूव ठीक ना नहीं देन हूँ कौन कह एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जेटा कि यूनिक भी रही पार ठीक ना नहीं एबिलिटी टू ईट ईट ब्रेथ मूव ए समस्त समस्त करेंगे किंतु मेन इंपोर्टेंट थिंग हूँ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ठीक ना नहीं तो दैट इज योर आंसर हम तो ये डायरेक्टली डायरेक्टली ये सब जिन कही दिखाई ओके देन जब आम जा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कौन कह ना ह्विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस इज कंसंट्रेट विथ हूँ क्या सहित ना दैट इज योर स्टडी ऑफ रिलेशनशिप क्या भितर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट टू देयर एनवायरमेंट बारंबार कही तो ये कौन ना जो उद्भिद एवं ता सहित संलग्न संगृहित जो परिवेश तो इकोलोजी जो लेक्चर देखो तो सीठी भी कहुई तो कौन कहुई डायरेक्टली ये हूँ आप देखिए कौन ना इकोलोजी तो दैट इज योर हूँ इकोलोजी कह जाए ठीक ना नहीं तो यह सब जिन कहुई आई होप हूँ क्लीयर रही है ओके नेक्स्ट जीवा बैक्टेरिया कौन कहला ना बैक्टेरिया डोंट नीड क्लीयर तो सनलाइट तो सूर्यालोक सी के आवश्यकता कर न था कौन करने टू ग्रो करने ओके तो ग्रो करने से हूँ केवे भी तुम हूँ सनलाइट हूँ दरकार कर न था तो कौन से हो तो बिकज ऑफ ह्विज रीजन तो दैट इज योर ऑप्शन वन कौन दिया हूँ ना ये कहु लेक हूँ क्लोरोफिल क्लोरोफिल कौन टा जानते समस्ते ठीक ना नहीं सबुज जो कणिका पत्र जो चिरहरित जो कहुए ना पत्रहरित कणिका जो तो दैट इज लेक क्लोरोफिल अभाव रही है सो दे आर हूँ इनकेपेबुल ऑफ मेकिंग देयर ऑन फूड तो ये कहुचे ऑप्शन बी कौन कह कौपाई ना दे हेट सनलाइट तो सूर्यालोक से घृणा करती ठीक ना नहीं तो के सब तो इलॉजिकल देन हूँ दे यूज अदर काइंड ऑफ हूँ लाइट फॉर देयर फूड सिंथेसिस क्लियर आ गोटे कौन कहुचे ना दे प्रिपेयर देयर फूड विथआउट द हेल्प ऑफ सनलाइट तो सूर्यालोक बिना ओब्वियसली तो जदि देखिबो ताले कोन हिजिबो ना ओब्वियसली आंसर आपनकर डी हिजिबो से सूर्यालोक बिना होचे कोन कथंते ना दैट इज योर होचे खाद्य प्रस्तुति करितंते क्लियर से पई से माने दरकार करंती नाही तो आई होप क्लियर होइला देन जदि देखिबो एठी गुडे इंपोर्टेंट कथा क्वेश्चन रहउचे क्वेश्चन नंबर कोन ना 11 एटा कोन कहउचे ए बैट जे बादुड़ी ओके ए बैट इज ए कोन मामल रेप्टाइल आम्फीबियन बा एभियान एभियान हूँ समस्त जानते पक्षी गुड़ा जो सब जाए रेप्टाइल सरीसृप जो कहुए ठीक ना नहीं आउ आम्फीबियन तो समस्त जान एंड मामल मामल ले कौ गुड़ा जाए मामल ले कंगारू तुम प्लाटिपस गाई मईसी छेली मेढा कुकुर गध यही सब प्राय घोड़ा देख माकड़ तिमी मछटा गोटे जाए ठीक ना नहीं तो ठेकुआ हरिण मूसा हाथी भालू यू मामलियार आई होप ये सब बेसिक जिनस क्लीयर थी तो ओब्वियसली बादुड़ीटा गोटे कौन ना जेहेतु ये हूँ आप देखिए छुआ जन्म दे थे ठीक ना नहीं गिव बार्थ वन दैट इज ये रोचे बैट तो ये हूँ कौन ना मामल क्लीयर तो ये हूँ मामल जीव देन जदि देखा ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाई क्वेश्चन नंबर 12 जो ये कक्रोज हेज कौन कक्रोजर कौन रही था ना 3 पेयर अफ हो वर्किंग लेग किंबा 2 पेयर अफ हो वर्किंग लेग किंबा 4 पेयर अफ हो वर्किंग लेग क्लीयर तो कतेटा होते पेयर हो गोड़ रही था कहवा कथा बा 1 पेयर वर्किंग लेग तो यहाँ मन रखी था दैट इज योर हूँ 3 पेयर ये जो ऑप्शन नंबर ए ओके तो दैट इज योर हूँ 3 पेयर जो रही था तो से भाया जब देखा क्वेश्चन नंबर 13 ओके
13 कौन कह ऑल द गिवन ने ऑल द फॉलोइंग आर हूँ इनवर्टिब्रेट एक्सेप्ट क्या छाड़ी एम भितर सब गुड़ा इनवर्टिब्रेट अच्छा वर्टिब्रेट मेरुदंडी इनवर्टिब्रेट अमेरुदंडी यू सबू क्लीयर थी तो स्नेल गेंडा जो कह कार्ब ओके प्रॉन आउे आपण मर कौन ना फिश एम भितर कौटा हाँ तो ओब्वियसली ये हूँ समस्त जानव मछटा हे ठीक ना नहीं फिश तो आई होप ये हूँ क्लीयर रहा सेमती किसी ना तो समस्ते जानव ये जिन बेसिक जिनस धर जो मुझे कहि ये जो प्राणी जगत जो मामालिया ने सॉरी एनिमोलिया जो कहुए एनिमोलिया तो यहाँ जब देख एनिमोलिया कौन कौन भाव में व्यक्त कराई कौन मत सिंपली हूँ जब देख नन कार्डेटा जेगुड़ा अमेरुदंडी प्राणी जेगुड़ा जो कहो तुम्हें तो अमेरुदंडी प्राणी गुड़ा के गुड़ा जाते सब कार्डाटा गोटे थाए आ गए नन कार्डाटा कार्डाटा कौन मन जाए दुईटा थाए तुम हूँ कर्डाटा आउ हूँ गोटे हूँ नन कर्डाटा ठीक ना नहीं तो दुईटा जिनस सबूत माइंड रही दरकार नन कर्डाटा नन कर्डाटा कहला अमेरुदंडी प्राणी अमेरुदंडी प्राणी मूर्ति गुड़ा से काटागोरी पुणी रही है जमी तुम पेरीफेरा हो सिलेंडरीटा हो प्लाटी हेलमिन्थेस हो क्लीयर निमाटो हेलमिन्थेस हो कि आनिलेडा हो आंथ्रोपोडा आनिलेडा मोलुस्का यू जो एकिनोडर्माटा यू क्लीयर थी आई हो जदि आउ कोडाटा भी जदि देख अमेरुदंडी जो कोडाटा कथा कहले कोडाटा कौन ये कहीदे आग हाँ ये तो कोडाटा हूँ कौन ना सिंपल देख गोटे जिनस तो ये हूँ माइंड रही दरकार कोडाटार कौन कौन जाए कोडाटार जदि देख कौन कौन दि प्रकार जाए तुम्हारे हूँ गोटे हूँ प्रोक्रोडाटा जो कहा प्रोक्रोडाटा आ गोटे हूँ तुम्हें जब देख कौन भट्रीवाटा जो भट्री ब्रेटा जो कहुए तो मेरुदंडी जेटा सिंपल आम कहुए मेरुदंडी भट्टी बेटा तो भट्टी बेटा भितर कौ गुड़ा जाते ना भट्टी बेटा भितर ये मामालिया जाए ठीक ना नहीं आ देखे एब्स कथा कहले जो ए भि ई एस एब्स किंवा हो तुम जो रेप्टेलिया कथा कह एम सब मेरुदंडिया एम सब जाते क्लीयर तो आम्फीबिया कह दैट इज तो ये सब जिनस जाते आज जब प्रो जो प्रो कोडाटा कहबी तेल यूरो कोडाटा जाए आज सेफालो कोडाटा जाए ठीक ना नहीं जो या कथा जो कह तो दुईटा तो ताकि पुणिया डिजन रही है ठीक ना नहीं तो जो आम क्वेश्चन करूँ तो नेक्स्ट जब आम देखा क्वेश्चन नंबर तो ये कौन है ना ये जब देख आपर के ना ये क्वेश्चन नंबर हूँ 14 गले आम ना ना 13 गले तो 13 आंसर कौन हो ना डी हे देन जब आम 14 जा 14 कौन कहुए बैक्टेरिया रिप्रोड्यूस तो कौ मेथड रे से होचे रिप्रोडक्शन मेथड टा तार कौन बैक्टेरिया क्लियर तो ये हूँ ऑप्शन कौन कौन दिखाई देखा आम तो जेहेतु रिप्रोडक्शन मेथड टा कथा पचार बाय सेक्सुअल मेथड ओनली ओनली दिखाई ओके देन ए सेक्सुअल मेथड ओनली किंबा मोस्टली बाय द सेक्सुअल मेथड एंड मोस्टली बाय द ए सेक्सुअल मेथड तो एमानको भीतर कोडा हबो तो समस्त जानिछ ये होचे मोस्टली बाय द ए सेक्सुअल मेथड ठीक ना नहीं तो दैट इज देन जब आम जावा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 कौन कहा ना हूँ जो हाँ क्रो एंड हूँ पिजन तो पारा आज कौन तो क्वा तो ये हूँ कौन सब ना तुम हूँ वार्म ब्लडेड बा कोल्ड ब्लडेड बा नाइदर ए नर बी बा बोथ एंड बी तो ऑप्शन ये सब जिन दिखाई तो ये कौन हम ना क्लीयरली जो देख ये हूँ वार्म ब्लडेड गुड़ा वार्म ब्लडेड गुड़ा के गुड़ा ना सिंपली समस्त जानव जो गुड़ा हूँ तुम कौन करते जो गिव बाथ ऑन दैट इज ओके तो आई होप ये हूँ क्लीयर रोज सेमती आउ कि नहीं सब जानव देन जब नेक्स्ट देखा 16 ओके 16 कौन कहुई फंगी जो कौच ओके फंगी आर ऑलवेज कौन ऑटोट्रॉपिक निज खाद्य निजे प्रस्तुति करती हेट्रोट्रॉपिक निज खाद्य जो निजे प्रस्तुत करते पारासाइट परभोजी जो कह जाए ठीक ना नहीं साप्रोफाइट जो पचास अढ़ा ये निर्भर करते खाद्य ठीक ना नहीं पचास अढ़ा मानने से निर्भर करते तो देट इज रोचे फंगी आर हूँ ऑलवेज कौन ना समस्त ये हूँ जानव देट इज रोच हेरिट्रोट्रॉपिक जो गुड़ा ठीक ना नहीं तो फंगी गुड़ा हूँ हेरिट्रोट्रॉपिक ओके तो आई होप क्लियर नेक्स्ट जब जी आम क्वेश्चन नंबर 17 17 कौन कहा ना लाइचेन इज कनसीडर टू बी ए सिम्बायोटिक बहुत इंपोर्टेंट कौन ना दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ठीक ना नहीं सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑर्गेनिज्म आर हूँ इनवॉल्व इन इट तो कौ दुईटा हूँ से माने परस्पर माने कौन कह जड़ित रही था साहय कर डबल दीज परस्पर को जोटा कह जाए ठीक ना नहीं तो ये हूँ कौन ना ये जो देख आपर हूँ आलगाई आ
फुंगी, क्लियर? ए दुईटा हिं रही था। तो ऑप्शन नंबर कौन होना हो बी हो आंसर। देन कथा कहे मामाल कथा कहला, मामाल हो गिव बर्थ ऑन दैट इज, ठीक ना? नहीं मामाल सर कौन वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड बा बोथ बा नन, तो ये कथा कहा हूँ। तो ये ऑब्वियसली टिके पूर्वर कहते वार्म ब्लडेड, ओके मामाल। से भाया जब आम क्वेश्चन नंबर 19 को जवा, ओके तो कौन कहे ना मेन बिलोंग टू द फाइलम कौन, तो मेन हूँ कौ फाइलम जाए थाए। तो कौन कौन दिखाई मोलुस्का, एवं टी पूर्व बुझेली जो मोलुस्का परिफेरा एंड हूँ करडाटा आपर कौन कहे आम्फिबियन, ठीक ना? नहीं तो यही सब जिन दिखाई। तो ऑब्वियसली कौन हम ना जदि देख ये हूँ तुम हूँ कौन हो करडाटा हो जेहेतु मेरुदंडी, ठीक ना? नहीं तो यही सब हूँ कथा। ये हूँ बारंबार ये सब देख के भी क्वेश्चन रही था। ओके नेक्स्ट जदि देखा नहले भी टिके देख यो पचारि भी देपे केमती धर जो लिनियस क्लासिफिकेशन टा जो थी, ठीक ना? नहीं तो जमीका सपोज मुझे कह मेन को ये जो मेन रही हूँ फाइलम टा जब आम देखा सीना कडाटा, ठीक ना? नहीं फाइलम टाइम दिखाई कडाटा मुझे जी कहते क्लासटा कौन, तो ये भी होती है सब फाइलम टा कौन, तो सब फाइलम हेल्ला भटिवाटा, ठीक ना? नहीं देन जब आम मेन र्लास कथा जब देखा तो कौन हो मामाली, देन जदि से भाया अर्डर देख हूँ प्रिमेट, ये विभिन्न प्रकार थी जो होमोसफियन्स कह जाए, तो सीटा कौन दैट इज, दैट इज हूँ जिनस एंड हूँ स्पेसीस, क्लीयर? जिनस हेल्ले होमो एंड हूँ स्पेसीस्टा जो कौच दैट इज रोच सफियन्स, सफियन्स क्लीयर? होमो सफियन्स कह जाए। तो ये बेस बेस जिनस आई होप ये क्लीयर हो। देन क्वेश्चन नंबर 20, तो कौन कहे ना आउटर कवरिंग ऑफ ए वायरस, ओके बा आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेडअप ऑफ कौथे से जिनसटा या मेडअप ऑफ प्रोटीन जो प्रोटीनटा या तो से प्रोटीनटा नाम कौन न कैप्साइड देन हूँ कट बेरियन एंड हूँ बेरियड, तो दैट इज रोचे ऑप्शन ए हूँ आंसर हम, ओके कैप्साइड जो हम तो जाच वायरसटा हूँ स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बट विथाउट ए सेलुलर स्ट्रक्चर, ओके तो सिंपल स्ट्रक्चर जेटा कि तुम जी कौन स्मॉल पीसेस सब जब देख रही है ना न्यूक्लियोसिस आइदर डीएनए और आरएनए, तो सराउंडेड जो प्रोटीन ये रही था एक्चुअली जब देख कौन ना लिपोप्रोटीन कोट भी कत कई थे, ओके तो लिपोप्रोटीन कोट कई थे, तो दैट इज रोचे ये रहीपर, तो ऑप्शन टी देखिकर, ओके तो आई होप ये हूँ क्लीयर रहा, ठीक ना? नहीं आउ तो भिविरोइड आउ समस्ते जानते भिविरोइड पायरन ये सब जिन सहित अटाच टर्म, ओके देन 21 कौन कहा ना स्नेक एंड हूँ लिजर्ड आर एनिमल दैट आर हूँ वार्म ब्लडेड एंड हूँ कोल्ड ब्लडेड किंबा बोथ किंबा नन ऑफ दिज एम भितर कौटा, क्लीयर? तो वार्म ब्लडेड हेल्ला कौन कही थी ना दैट इज रही है ये कौन हो ना स्नेक आउ लिजर्ड जी कथा देखा आम हूँ कौन हो ये हूँ कोल्ड ब्लडेड, ओके तो किसी भी साप कल ब्लडेड ये हूँ कल ब्लडेड दैट इज, ओके देन जब 22 आम देखा ये कौन दिखाई देखो दि वायरस दैट हूँ इनफेक्ट ए बैक्टीरियम इज हूँ कौन ना आर्बो वायरस भेरमेया किंबा तुम बैक्टीरिया फेज किंबा हूँ बाल्कोपेन, तो दैट इज ये हूँ जी आप देखिए कौन हो ना ये हूँ जी देखिए सी हो आंसर, ओके तो आई होप क्लीयर रहा। देन हुईज वन अफ द फलोइंग इज हूँ पारासेटिक प्लांट, तो पारासेटिक प्लांट एम भितर कौटा, तो मशरूमटा हूँ छतु जो, ठीक ना? नहीं तो मशरूम हूँ पारासेटिक प्लांट, तो क्लीयर रही है आई होप। देन जब देखा आम 24 को जी 24 कौन कहा हुईज वन अफ द फलोइंग इज एन हूँ आम्फिबियन एम भितर कौटा आम्फिबियन, ठीक ना? नहीं तो आम्फिबियन कौटा हम ना जब देखा ये हूँ फ्रगटा को बेंगटा जो रहा दैट इज रोच आम्फिबियन, ओके तो आ समस्ते जान तिमिटा जो कथा कहले कौन क्लीयर ये हूँ मामाल चल जाव तिमिटा, तो देन मीन ये हूँ आम्फिबियन कौन टाइम रो क्लासिफिकेसन टाइम माइंड में रखी थोड़ा दरकार, ओके तो यह सब रिविजन में आसीज। देन जब देखा 25 हुईज वन अफ द फलोईंग इज नट ए मामाल एम भितर कौटा मामाल नुह, क्लीयर? तो एम भितर कौटा मामाल नुह पचार, तो मामाल कौटे मुझे कही प्लाटिपस हो प्लाटिपस कितु अंडा दे था ये भी गोटे क्वेश्चन पचारे ये लिखिदे प्लाटिपस प्लाटिपस, तो ये हूँ कौन ये हूँ समुद्र जे समुद्र मिलता है, ठीक ना? नहीं तो दैट इज अंडा दे था कि दैट इज रही मामालिया श्रेणी अंतर्गत, सी तो कंगारो हो
किंबा गाई मईसी छेली मेंढा कुकुर गध जहाँ भी घोड़ा किंतु तुम हाथी भालू हरिण मूसा ठेकुआ ये सब जिन सब जहाँ भी रहा आमि मछ जो ये देख लो ठीक ना नहीं ये सब हूँ कौन ना मामालियार जाते तो सेमती ये हूँ कौन कहा ना हुईजम इज ए नॉट ए मामाल तो ओब्वियसली ये भी मामाल ठीक ना नहीं तो काउ भी मामाल तो ओब्वियसली ये ऑप्शन कौटा एलिमिनेशन हो देख फिशटा हो ठीक ना नहीं गट छेली कथा भी कहले तो ऑप्शन ए हो आंसर ठीक ना नहीं तो से भाया जब देखा 26 कौन कहा ना अलगाई ऑप्टेन फ्लोट ऑन होचे सरफेस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे बट सिंक डाउन ड्यूरिंग द नाइट तो बुड़ी जाए पुणी भाषी थे हूँ केत ना सरफेस से कौच अलगाई ऑप्टेन हो फ्लोट भाषी थे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर उपरी भाग रे ओके डे समय रे बट बुड़ी जाए हूँ ड्यूरिंग द नाइट टाइम रे तो कौन पाए से जिनसा हो तो ड्यू टू कौन जगह ना इवोल्यूशन एंड ट्रैपिंग ऑफ ऑक्सीजन बबुल्स देन ड्यूरिंग द हूँ डे इन देयर फोटोसिंथेसिस ऑप्शन ए कथा कहा ठीक ना नहीं बी रे कौन कहला ना बिकमिंग लाइट एज दे कंज्यूम मोस्ट देयर फूड इन द लाइट देन जब देखिए ऑप्शन सी कौन कहा ना वार्मिंग एक्शन ऑफ सन ड्यूरिंग द डे ओके देन ऑप्शन डी जब कौन कहा रिलीज ऑफ अब्जर्व एयर बाय वार्म जो कौन कह वार्मिंग अप वाटर गरम जो होगा तो एमंतर जब मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन कौनटा हो ऑब्वियसली एटा हो जो इवोल्यूशन एंड ट्रैपिंग ऑफ ऑक्सीजन बबुल्स ड्यूरिंग द डे इन देयर फोटोसिंथेसिस आलोकसंश्लेषण जिते बड़े तुम रही है ठीक ना नहीं तो ये कारण ये हूँ रही है तो आई होप क्लीयर रहा जेन जब देखा जब 27 एप्स गुड़ा कहली जो एप्स गुड़ा कौन तो ये हूँ जब देख कौन दैट इज तो ये हूँ जदि देख वार्म ब्लडेड ना कोल्ड ब्लडेड ना ये हूँ सब गुड़ा वार्म ब्लडेड गुड़ा ओके तो ये हूँ माइंड रहा दरकार देन दे क्वेश्चन नंबर 28 कौन कहा बैक्टीरिया एंड हूँ फंगी कौन कहा ना डेवलपिंग ऑन हूँ डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो मृत पदार्थ को क्षय करें कौन करते वन टाइप ऑफ ताकर होचे रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते ठीक ना नहीं तो बैक्टीरिया आउ फंगे तो ऑर्गेनिज्म मार से गुड़ा होचे कौन गुड़ा पारासाइट साप्रोफाइट तुम्हार हो कमेंशियल तो ऑब्वियसली जो कहूली कौन कहूली साप्रोफाइट ठीक ना नहीं तो मृत पदार्थ उपर से निर्भर करते मृत पदार्थ को पचेबारे साय करते तो जहाँ भी आम वायुमंडल रही ओके तो यह सब कथ दे 29 कथा देखा ये कौन कहुई ना बैक्टीरिया कैन लिव इन हूँ कोल्ड क्लाइमेट फर हूँ फ्यू इयर धरिकिना रहीपर कि तुम हूँ 1000 इयर धरिक रहीपर कि 2000 इयर रहीकिना धरीपर कि मेनी इयर जाए रहीपर एक कथा कहा आई होप क्लीयर तो मेनी इयर जाए कि रहीपर कहु तो ओब्वियसली ये जो देख 1000 ना ये हूँ मेनी इयर जाए तुम रहीपर ओके तो आई होप क्लीयर रहा तो जब ठीक अच्छे भिड भल लगता है निज सांग सहित सेयार करूँ क्लीयर एंड प्रथम थर पर जब चैनल को विजिट करते हैं सब्सक्राइब करूँ ओके तो किसी इश्यू आते बड़े भी कमेंट सेक्शन में देखुले तो से सब भी सॉल्व कर दिया जाए ओके तो थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर बाय।